बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड फिल्में डायरेक्ट करने में भी मशहूर है ये निर्देशक। हर किसी ने दी सुपरहिट फिल्मी दुनिया में आज तक आपने बॉलीवुड सितारों का हॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू तो खूब सुना होगा। हालांकि वो हॉलीवुड फिल्मों में काम तो करते हैं लेकिन उनके किरदार एक साइड रोल की तरह होते हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा आज हम बात कर रहे हैं उन मेकर्स की जिन्होंने हॉलीवुड सितारों को अपनी फिल्म में काम करने को मजबूर किया। जी हाँ, ये वो बॉलीवुड डायरेक्टर है जिन्होंने हॉलीवुड में जाकर फिल्में डायरेक्ट की और सुपरहिट की झंडी पहनी। ये वाकई में काफी आकर्षित है। तो आइए बात करते हैं इन डायरेक्टर्स की। शिखर कपूर है फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी पहचान बना चुके शिखर कपूर ने द फॉर फेदर्स, एलिजाबेथ जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने सुपरहिट हुई फिल्में द फॉर फेदर्स, न्यूयॉर्क, आई लव यू और पैसेज जैसी फिल्में भी बनाई हैं जिनकी काफी चर्चा रही है। बोर्निला चटर्जी इस लिस्ट में शामिल सबसे छोटी डायरेक्टर। बोर्निला ने हॉलीवुड की फिल्म लेट अस बी आउट द सन इज शाइनिंग को डायरेक्शन दिया जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए। कोलकाता में जन्मी बोर्निला के लिए ये किसी सपने जैसा था जिसमें उन्होंने महानता हासिल की और हर किसी ने उनकी तारीफ की। गुरिंदर चड्ढा है एक ब्रिटिश मुल्क निर्देशक। गुरिंदर ने हॉलीवुड की फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस 2004 डायरेक्ट की थी जिसमें ऐश्वर्या राय भी नजर आई। बता दें इसके अलावा उन्होंने साल 2017 में उन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म व एस्ट्रोवर्स हाउस बनाई। इस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी देखने को मिला था। परम गिल बॉलीवुड के निर्देशक। परम गिल ने बॉलीवुड की फिल्म वॉरियर सावित्री को हॉलीवुड में होटल हॉलीवुड के नाम से बनाया। ये फिल्म हिट साबित हुई जिसकी कहानी दर्शकों के दिल में उतर गई। विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड के गलियारों में कई सुपरहिट फिल्में दे चुके। विधु ब्रोकेन हॉर्सेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन भी कर चुके हैं। खास बात यह है कि विधु की इस फिल्म को अवतार और टाइटैनिक फेम जेम्स कैमरून की काफी तारीफें मिली थी। इसके अलावा विधु को 1979 में उनकी पहली और आखिरी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट इन एनकाउंटर विद फेसेस को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था जिसके लिए वो काफी चर्चा में आए थे।